Hello and a very good morning to all of you. I am Kinjal and welcome to Adda247 Regulatory Bodies and SO channel. We are here discussing another session on English today. Now, as I promised that today's session is going to be different from the yesterday's session. कल जो हम एक सेशन कर रहे थे वो सेशन था जहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. In today's session, our idea is to present you with all types of questions which has been asked from 2016 to 2022, which is the last paper. तो मैं before starting the session मैं आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करना चाहूँगी आपके साथ, जहाँ आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दैट मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन. आप जैसे ही सेशन को लाइक करते हैं इट हेल्प्स अस टू ग्रो. इफ़ यू लाइक द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन फॉर RBI ग्रेड बी फेज़ 1, फॉर RBI ग्रेड बी फेज़ 2, तो हेल्प अस टू ग्रो better in this industry. Make sure that you press the like button and also subscribe to our channel. Now, having said that, आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूँगी कि what exactly are you going to expect from this session. तो अगले एक हफ्ते के लिए we are going to have a series. हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं that I will explain it to you. सबसे पहले There are a few sets of questions जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. जैसे एक होता है आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन RBI में, फिर है मैच दिस, इसके बाद है फ्रेज कनेक्टर, इसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स. अगर आप मेरी क्लास में कुछ मतलब फिलर्स अगर आप मेरी क्लास में कुछ टाइम से आ रहे हैं तो आपको ये 4-5 टॉपिक्स तो पक्का रटे हुए होंगे कि हाँ भाई ये तो मेरे एग्जाम में जो है आने ही वाला है. फ्रेज कनेक्टर एंड फिलर्स ये जो है मेरे ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं. ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो गई होगी और अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमेशा से नहीं था कि ये 4 टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विथ RBI ग्रेड बी. ऐसा अभी अभी स्टार्ट हुआ है बिकॉज 2016-17 से दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर पैटर्न अ लॉट. उन्होंने अपना पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज किया है 2016-17 से. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी 2016 के पेपर में आई ही नहीं थी. देयर वाज नॉट इवन 1 सिंगल क्वेश्चन. बट वही आप 2017 से देखने चाहेंगे तो 2017 to 2022 का सेट 1 सेट 2 सारे ही सेट्स में 1-1 2-2 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं. Similarly, when we talk about fillers has been a very consistent topic. एक बहुत ही कंसिस्टेंट टॉपिक है. डबल फिलर, सिंगल फिलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलर. तो इस तरीके से हम 2016 से लेके अभी तक के जो सवाल आए हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इट पर सेशन वाइज. यानी हर सेशन में आप वोकैबुलरी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैच दिस के सारे क्वेश्चंस, फ्रेज कनेक्टर के सारे क्वेश्चन और वैसे ही फिलर्स के सारे क्वेश्चन. हाँ जी वो भी आता है बिस्वजीत. But these are the topics, yes. Close test, reading comprehension, parajumble type 3. तो ये तीनों भी आता है, yes. अब अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो एक और चीज़ बस छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगी. इन सभी में भी आपको ये ऑफ कोर्स पता होगा कि fill in the blanks जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फिल इन द ब्लैंक्स जो है, फिलर्स जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू RBI ग्रेड बी. और क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हमने डिसाइड किया है कि कमिंग सैटरडे को मैं 2016 से लेके 2022 के बोथ सेट्स, सेट 1 सेट 2 दोनों सेट्स तक के, मतलब अभी तक के जितने पॉसिबल एग्जाम हैं RBI के 2016 तक से अभी तक में फिल इन दी ब्लैंक्स उनका फेवरेट टॉपिक रहा है. सो वी आर गोइंग टू डू फिल इन दी ब्लैंक्स ऑफ ऑल दीज सेट्स टुगेदर ऑन सैटरडे. ठीक है. इसके अलावा आज हम क्या करने वाले, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द वोकैबुलरी क्वेश्चंस that has been asked. अब याद रखिएगा they started asking vocabulary question in 2017 with just 2 questions and then they have increased their ratio a lot over the time period, and today they are standing at around 4 to 5 questions per set. तो बेसिकली हम 2017 से अभी तक के सारे वोकैबुलरी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं. इस सेशन से आपको सबसे पहले तो ये हेल्प होगी कि यू विल अंडरस्टैंड एंड नो द मीनिंग ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स, यूजेज ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स, और इससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी आपको ये भी पता चलेगा कि ये किस तरीके से पूछे जाते हैं. अब ये जो वोकैबुलरी पूछी जाती है ये कभी कभी पैसेज बेस्ड होती है, यानी कि पैराग्राफ में एक वर्ड दिया है उससे रिलेटेड वो वोकैबुलरी जो है पूछ लेते हैं. तो अगर ये पैराग्राफ रिलेटेड वोकैबुलरी पूछते हैं तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा पैसेज, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से दे हैव बीन आस्किंग दीज क्वेश्चंस. समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड माय एंटायर प्लान विद ऑल ऑफ यू? रिमेंबर यू आर आई. See, I'm working very hard for all of you. It takes a lot of time to actually prepare such a question set, जहाँ पे 2016 से 2022 तक के हर पेपर का हर क्वेश्चन देखना है, उसके क्वेश्चंस निकालने हैं, उसको सॉल्व करना है, प्रिपेयर करना है. So if you are liking this, if you like this effort, तो make sure you like the session and we will start now. तो हमारा अभी डबल वैलिडिटी चल रही है. देयर इज अ डबल वैलिडिटी गोइंग ऑन राइट नाउ. आई विल सजेस्ट यू टू यूज द कोड Y659 to actually enroll into our batches of Bank Mahapack Plus. और अगर आप टेस्टमेट में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिमिलर जगह पे आपको Y659S यूज करना होगा. Now this is the first question that we are solving. Remember, this is a question from the year 2017. ये 2017 का question है, जल्दी से solve करेंगे. Please solve soon. This is a question from 2017. यार सेशन को like कर दो यार, है ना? Please like the session. हाँ प्रिया, आपने अभी तो मुझसे बात करी थी, अभी फिर से आप मुझसे बात कर रही हैं. मुझे इतना अच्छा लगता है ना, व्हेन आई गेट टू सी अ स्टूडेंट थ्राइस अ डे, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है यार. कृतिका शर्मा, क्यूट गर्ल. ठीक है, चलो. So the first question says, which of the following words can be used to replace the word a word as used in the passage? A word जिस तरीके से use किया गया है passage में, कौन सा ऐसा word है जो हम use कर सकते हैं a word के बदले? A word का मतलब होता है assertion. Assertion यानी कि आप क्या हो गए, आप संतुष्ट हो गए, आप बिल्कुल assertive है, यानी कि आप positive हैं. You are positive that it is going to happen. That is called as asserted or averred. इसे ही हम कहते हैं asserted or averred. Something positive is called as assertion. आगे देखेंगे, we will see our next question. Now remember, this is a question from 2018. ये 2018 का question है. ठीक है, जल्दी से बताएंगे what is the answer for this question 2018. Choose the word which is most similar in the meaning to the printed word used in the passage, which is ubiquitous. Ubiquitous का meaning क्या होगा? What is the meaning of ubiquitous? अगर कुछ टाइम से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कुछ दिनों पहले. मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है आपको कुछ दिनों पहले. उबीक्वस का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट इसी फॉर्म में करवाया था, बस ऊपर ये पैसेज वाला डायरेक्शन नहीं दिया था, अलग डायरेक्शन दिया था, है ना? तो उबीक्वस का मीनिंग क्या है? उबीक्वस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो. ओमनी प्रेजेंट या फिर उबीक्वस, हर जगह जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज उबीक्वस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वर्ड सिमिलर एज मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2018. यस यस, द टी इज साइलेंट. अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो जो अमेरिकन इंग्लिश है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. इंडिया में वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश, बट अगर आप अमेरिकन यूज कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है. ओके, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर एज यूज्ड इन द पैसेज मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड यानी अलग अलग. इसमें वर्ड ऑलरेडी आ रहा है मल्टी, तो मल्टी का मीनिंग क्या होगा? मल्टीपल. सो इट इज प्लेंटी. मल्टीट्यूड का मतलब होता है प्लेंटी, बहुत सारा. मल्टीट्यूड यानी बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ थिंग्स. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डिलेड. What is the answer for the question delayed? ये तो बन जाना चाहिए, इसमें 5 सेकेंड लगने चाहिए थे. डिले का मीनिंग बहुत सिंपल होता है, थोड़ा पोस्टपोन कर देना. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, एक्सपीडिटेड, पर्टर्ब्ड, रिप्रेस्ड, पॉपुलराइज्ड एंड स्टेबलाइज्ड. द करेक्ट आंसर हियर इज एक्सपीडिटेड. Expedited, which is the most opposite here. Delayed का मतलब होता है जो धीरे धीरे काम हो. Expeditious यानी जो तेजी से काम हो. इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, expert and paid. एक्सपर्ट एंड पेड. अगर कोई अपने फुट पे, अगर कोई अपने पांव से बड़ा एक्सपर्ट है तो ये क्या होगा? जल्दी जल्दी काम करेगा, जल्दी जल्दी दौड़ेगा. एक्सपीडिशियस इज द फेवरेट वोकैबुलरी ऑफ हिंदू एडिटोरियल. आपने अगर हिंदू एडिटोरियल पढ़ा है तो आपने ये हर हफ्ते पढ़ा होगा. एक्सपीडिशियस वो हर हफ्ते यूज करते हैं. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, डॉर्मेंट. डॉर्मेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट? You have to tell opposite in the meaning. Dormant का opposite आपको बताना है. याद रखेंगे 2016 से 2022 तक के पूछे जाने वाले हर एक वोकैबुलरी क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कवर किया है. We have covered all the vocabulary questions from 2016 to 2022. Choose the word which is most opposite in the meaning. एज डॉर्मेंट. आपने वॉल्केनोज के बारे में सुना होगा. डॉर्मेंट वॉल्केनो का मतलब होता है ऐसा वॉल्केनो जो सो रहा है. अ वॉल्केनो व्हिच इज स्लीपिंग राइट नाउ इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट वॉल्केनो. इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव वॉल्केनो. इसका ऑपोजिट है एक्टिव वॉल्केनो. अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंटेंशियस. ये आज सुबह जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट हैं, हम एक पैसेज आज सुबह कर रहे थे जिसमें कंटेंशियस वर्ड का यूज किया गया था. देखो आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप मेरी क्लास में आते हैं ना तो आपको रेलेवेंसी दिखेगी. मैंने आज सुबह एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया है जिसमें ये वर्ड यूज किया गया था और अच्छे से यूज किया गया था. और अभी देखिए आरबीआई के 2019 के पेपर में कंटेंशियस वर्ड यूज किया गया है. यस, तो कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल. कोई भी चीज जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो उसे हम कहते हैं कंटेंशियस. तो इसका सिनोनिम, सिमिलर इन द मीनिंग होगा आर्ग्यूएबल. जिस किसी चीज पे अगर आर्ग्यूमेंट हो सकता है तभी उसको बोलेंगे कंटेंशियस. फॉर एग्जाम्पल, जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इस पे, जब आप बेसिकली कन्वर्टिंग योर रिलीजन, रिलीजन कन्वर्जन, तो कन्वर्जन पे हम आर्टिकल पढ़ रहे थे. तो कन्वर्जन के लिए हमने वर्ड यूज किया कंटेंशियस, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है जिसमें बवाल हो सकता है, दो लोगों का आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है. अगला वर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रोबस्ट. रोबस्ट, what is the meaning of robust? Guys, you are not liking the session. This is not fair. Please like the session. Robust का meaning क्या है? What is the meaning of robust? It is to be strong. Robust का मतलब होता है robot जितना strong, बहुत ही strong. It's called as robust. Question number 8, alleviation. Alleviation. What is the meaning of alleviation? इसको कंफ्यूज नहीं करना. एलिविएशन, रिमेंबर सारे वोकैबुलरी क्वेश्चंस करने वाले हैं 2022 तक के जितने आए हैं. सो एलिविएशन, द करेक्ट आंसर हियर इज इंजरी. इंजरी इज द करेक्ट आंसर। हमें ऑपोजिट इन द मीनिंग ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर देयर ओन स्टीम, अंडर देयर ओन स्टीम, what is the meaning of under their own steam? आप अपनी ही स्टीम में कैसे रह सकते हैं? आप अपनी स्टीम में तब रह सकते हैं अगर स्टीम इंजन का टाइम है तब। अगर स्टीम इंजन का टाइम है इसका मतलब हुआ कि आप खाना भी स्टीम से बना रहे हैं, आप सारी चीज़ें स्टीम से कर रहे हैं। सो इट इज़ अनअसिस्टेड, आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, अपने लिए आप जो स्टीम है वो खुद ब्लो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड। नाउ रिमेंबर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021, 2021 का ये सवाल है। डिसग्रंटल्ड का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसग्रंटल्ड? प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट है यहां पे, कोई एंटैगनिस्ट नहीं है। प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो, तो इसका कोई विलन भी होना चाहिए ना। ठीक है, सो डिसग्रंटल्ड इट मींस डिसकंटेंटेड। जब आप सैटिस्फाइड नहीं है, वेन यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद समथिंग यू कॉल इट डिसकंटेंटेड, कि आप कंटेंट नहीं है उस चीज से। अगला वर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली मीन्स एज इन द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स का मीनिंग क्या है? हवे में बातें करना, इन द क्लाउड्स। Remember these are questions from 2021. We are starting a new series today. जो आपका thumbnail है वो change हो जाएगा, but हम आज से एक नई series start कर रहे हैं। I want all of you to tell me अगर आपको ये series समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, क्योंकि future में हम ऐसे ही सारे years के match the columns, 2016 to 22 के phrase connectors, fill in the blanks, सब कुछ करने वाले हैं। Okay, so which of the following word does not usually mean same as the word in the clouds? In the clouds का मतलब होता है हवे में बात करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रैक्टिकल। इसका ऑपोजिट होता है प्रैक्टिकल। यहाँ पे यूटोपियन एक अच्छा वर्ड दिया है which means again हवे में बातें करना। There is nothing strong and practical out there. Yes. अगला सवाल देखते हैं, which of the following is the synonym for the word supplant? Supplant का synonym क्या है? What is the synonym for the word supplant? Supplant का synonym क्या होगा? बहुत ही आसान है। Supplant का synonym क्या है? It is supplement. सप्लीमेंट यानी कोई चीज जो हेल्प करे किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट। जैसे कि जैसे आपने स्कूल में अगर आपने एग्जाम दिया है तो एक्स्ट्रा आंसर शीट को सप्लीमेंट्री कॉपी भी कहते हैं। एक्स्ट्रा आंसर शीट को सप्लीमेंट्री कॉपी भी कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो आपको हेल्प करेगी उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, टू एक्चुअली मेक प्रोग्रेस इन दैट प्रोसेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। रिमेंबर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 सेट 1 एंड सेट 2। 2022 के पहले जो है इनका एक ही उसमें एग्जाम हो रहा था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था। 2022 से दे स्टार्टेड टेकिंग 2 शिफ्ट्स, तो ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, जिम वाले सप्लीमेंट, यस यस यस। सिद्धांत वो गलत हो गया था, हाँ, वो गलत हो गया था थोड़ा सा। चलो जल्दी से बताना, विच ऑफ दी वर्ड्स मीन द सेम एज द टर्म एग्लोमरेशन? एग्लोमरेशन के साथ सिमिलर क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस, एग्लोमरेशन यानी बहुत सारे रैंडम चीज़ों को जब आप एक साथ लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एग्लोमरेशन। जैसे आपको पता होगा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अगर आपको ये ध्यान है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा लर्न करना। आगे देखते हैं capable, इंटोनिम फॉर द वर्ड capable. रिमेंबर दीज आर क्वेश्चंस फ्रेशरी फ्रॉम लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के ये सवाल हैं. एग्लोमरेशन, अच्छा नहीं, कैपेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियर एंटोनिम. ऑपोजिट क्या दिया हुआ है कैपेबल का, तो कैपेबल का ऑपोजिट क्या होगा? कैपेबल का ऑपोजिट है इनएप्ट. समबडी हु इज नॉट गुड इनफ. इनएप्ट इज नॉट गुड इनफ. जो गुड इनफ ना हो इसे हम कहते हैं इनएप्ट. इनएप्ट. अच्छा, बरी द हैचेट. मैंने आपको बताया था अभी अभी दे हैव स्टार्टेड गिविंग वेरी लाइक अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू ईडियम्स एज वेल. उन्होंने अभी अभी ईडियम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिया है. तो 2022 ऐसा पेपर था जब उन्होंने ईडियम्स को इंपॉर्टेंस देना चालू किया बहुत ज़्यादा. पहले एक दो पूछे जाते थे. तो मैंने 2022 के पेपर के ईडियम्स को भी इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफकोर्स हमने टॉप 100 ईडियम्स लास्ट टू लास्ट सैटरडे किया था. इसलिए कमिंग सैटरडे में याद रखेंगे वी आर गोइंग टू डू फिलर्स विच इज फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम 2016 टू 2022 बोथ सेट्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. जरूर से इस सेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे. मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन. Let us see. Bury the hatchet. Bury the hatchet is both 1 and 2. The two countries decided to bury the hatchet and work towards the welfare of the people. I hope that one day they will bury the hatchet and go fishing together like they used to. तो bury the hatchet का मतलब क्या होता है? पुरानी बातों को गाड़ के नई बातें स्टार्ट करना. पुरानी बातों को खत्म करके नई बातें स्टार्ट करना is called as burying the hatchet. मतलब पुराने प्रॉब्लम्स पे मिट्टी डाल देना. और मिट्टी डालने से याद आया, जब आप किसी चीज़ पे मिट्टी डालते हैं तो वो बात क्या हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है. ऐसे यहाँ पे पंजाबी में हमारे ऑफिस में कई लोग कहते हैं मिट्टी डालो, मतलब वो बात भूल जाओ. तो वैसे ही एक वर्ड है जो आरबीआई के पेपर में यूज़ किया गया था, मिटिगेट. मिटिगेट यानी टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग. टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग. रात गई बात गई टाइप्स. क्या बात है. स्क्रूपलेस शर्मा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स इज ऑल्सो अ सिमिलर इडियम. यस, वेरी गुड. बरी द हैचेट. पुट अ सॉक ऑन इट. पुट अ सॉक ऑन इट. उस चीज पे सॉक डाल दो. किस कैसी चीजों पे आप सॉक डाल दोगे? हाउ विल यू पुट अ सॉक ऑन इट? ओके, सो पुट अ सॉक ऑन इट का मीनिंग क्या है? द मीनिंग इज बोथ 2 and 3. दैट मीन्स विथ एनफ बाइट्स ऑलरेडी स्पिल्ड ऑन द वेब अबाउट दिस आई डिसाइडेड टू पुट अ सॉक ऑन इट. He went on talking about his achievements until I asked him to put a sock on it. To put a sock on it का मतलब होता है to stop. To put a sock on it का मतलब होता है to stop something. किसी चीज को खत्म करने को हम कहते हैं to put a sock on it. So the correct answer is both 2nd and 3rd. First वाले में लिखा है we have to put a sock only then it will be able to improve our speaking skills. तो ये बोल रहे हैं ये करना बंद करना पड़ेगा. कुछ करना बंद करने से speaking skills, English भी नहीं, speaking skills. तो this sentence is not logically correct. Question number 17, pipe dream. Question number 17, pipe dream. Remember you have to study everything which is relevant to your examination. अगर आपने कुछ भी ऐसा पढ़ा जो आपके एग्जाम के रेलेवेंट नहीं है तो हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए फ्यूचर में. तो याद रखेंगे RBI grade B phase 1 is an important phase and you need to be yourself, give your 100% and then only you can move ahead. ठीक है. So pipe dream, what is the meaning? It is only second. That means हमारा ये आंसर है. We deserve a system where clean, sustainable energy is something more than a pipe dream for delusional hippies. डिल्यूशनल हिप्पीज, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत सपने में रह रहे हैं, उनके लिए क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन, ऐसा एनर्जी कंजम्पशन जो क्लीन हो, जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टाइम चले, ये सिर्फ एक पाइप ड्रीम नहीं होना चाहिए कि हाँ होते रहेगा, वो एक रियलिटी होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ पाइप ड्रीम. ओके, Which of the following is a near synonym for the word hiatus? Remember 2022 set 2. This is question. This is year 2022 का set 2. Shift 2. जल्दी से बताएंगे what will be the answer. Which of the following is a near synonym of the word hiatus? Hiatus का synonym क्या होगा? हाइशियस का सिनोनिम क्या होगा? बहुत ही आसान है. हाइशियस का सिनोनिम मैं आपको बता देती हूँ. इट इज वेरी इजी. सस्पेंशन. सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर. सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही अच्छा. क्यूट गर्ल कौन सा वाला नहीं समझ में आया बता देना आप मुझे, कौन सा क्वेश्चन, आई मीन ये सेकेंड, ये वाला नहीं समझ में आया. ठीक है, अगला वर्ड है एंटोनिम फॉर कर्टेल. कर्टेल का ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है. कर्टेल के लिए ऑपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है. कर्टेल, कर्टेलिंग एक्ट्स तो बहुत ही कॉमन टर्म है, एडिटोरियल का ही है. एस्केलेट. कर्टेल यानी कि कम कर देना, एस्केलेट यानी कि बढ़ा देना, टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज को बढ़ाना. इनक्रेड्यूलस. इनक्रेड्यूलस, अगर ये याद नहीं है ना तो इसको याद करने का एक तरीका भी हो सकता है. इनक्रेड्यूलस. बिस्वजीत, आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स. इफ यू वांट, मेक श्योर दैट यू डू कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल which is Mentor Kinjal, where you can get all the help that you need. और मैं शाम 7 बजे एक डिस्क्रिप्टिव सबमिशन करवाती हूँ. शाम 7 बजे एक डिस्क्रिप्टिव सबमिशन होता है. अभी फिलहाल ये चल रहा है because RBI is around the corner. Okay, let us see. Which of the following is near synonym for the word incredulous? Incredulous के लिए है disbelief. Disbelief. इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स एक तो तरीका है कि देयर इज अ रूट वर्ड क्रेड. क्रेड से आया क्रेडिट, विच इज समथिंग पॉजिटिव, है ना. बट अगर आपको नहीं भी लर्न होता है, ऐसे आपको ये क्रेडिट और डेबिट का ही कंसेप्ट नहीं पता, तो उस कंडीशन में आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया. मतलब इतना अच्छा है आप विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वसनीय. और आपने, इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमारा, मतलब बिल्कुल हमारी आइडेंटिटी यही है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे नक्सलाइट होते हैं. तो उसके लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने बनाया है क्रेडिबल छत्तीसगढ़. दैट मीन्स कि आप विश्वास करें, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. आप आए और देखिए कि कितना सुंदर है. तो ये आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जस्ट अ वे. चलो, डोल ड्रम्स. एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड बताना है फॉर द वर्ड डोल ड्रम्स. डोलड्रम्स के लिए ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर डोलड्रम्स? जल्दी से बताएंगे. डोलड्रम का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑपोजिट आपको बताना था. तो डोलड्रम इज समबडी हु इज वेरी लेजी और शांत. डोलड्रम इधर उधर डोल रहे हैं. सो समबडी हु इज lively. somebody who is lively, it is the antonym. ये होगा antonym. अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22. फुट द बिल. रिमेंबर 2022 सेट 2. दिस इज 2022 सेट 2. फुट द बिल. फुट द बिल. what is the meaning for footing the bill? Okay, Priya, that's not a good thing. Putting the bill का meaning 1 and 2 both are correct. Airlines currently foot the bill for the security system. The celebration cost 100 odd pounds and I wonder who is going to foot the bill. To foot the bill यानी bill को लिया और अपने पैर के नीचे दबा दिया, यानी क्या किया, पे कर दिया. Who is going to pay? So footing the bill is basically the person who is going to pay the bill. Not the person but the process of paying the bill. So both 1 and 2 are the correct answers. Make up one's mind. Mind पे makeup लगा दो जल्दी से. What is the meaning of making up one's mind? Mind पे makeup लगा दो यार जल्दी से. Very easy question. It basically means that you think about something and then you are making up mind for it. That means you are mentally getting prepared for the same thing. आप जब mental preparation कर रहे हैं उस चीज की, that is called as making up mind for it. So it's not easy, but as a manager sometimes you have to make up your mind and fire people. बहुत आसान नहीं होता है, but as a manager sometimes लोग fire करते हैं. She deliberated over the decision for a long time before she made up her mind. उन्होंने डिसीजन के ऊपर बहुत देर तक के बहुत लंबा काम किया बिफोर शी मेड अप हर माइंड. ही मेड अप हिज माइंड नेवर टू गो नियर अ मोटरसाइकिल. उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया कि मैं मोटरसाइकिल के आसपास कभी भी नहीं जाऊंगा. ओके, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 24. ब्रेक द बैंक. टू ब्रेक द बैंक. To break the bank. बैंक को गए और तोड़ दिया. SBI गए और SBI तोड़ दिया. ऐसा हो सकता है क्या? कुछ साल पहले एक वो थी न्यूज़ थी कि 2 डेंटिस्ट ने मिलके ATM से पैसे चुराने की कोशिश की थी और वो एक्चुअली पार्शली सफल भी हो गए थे, बट कुछ सायरन बज गया या वो पूरा बॉक्स नहीं निकाल पाए, ऐसा कुछ हुआ था. ठीक है. So to break the bank is both 1 and 2. These days you can easily buy a smartphone with breaking the bank. Or I broke the bank going to grad school and I am not sure how I'll ever pay back the money. To break the bank इसका मतलब होता है कि आप अपने savings account को use कर रहे हैं. आपके बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट होगा, बचत खाता होगा, उस बचत खाता को यूज करने का मतलब होता है टू ब्रेक द बैंक. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25. डेविल्स एडवोकेट. डेविल्स एडवोकेट, डेविल का, भूतों के एडवोकेट को क्या बोलेंगे, है ना, बिल्कुल जो खराब इंसान होते हैं उनके एडवोकेट को क्या कहेंगे? डेविल्स एडवोकेट. इफ समबडी इज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स वेरी सिंपल. डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है ओनली थर्ड. दैट मीन्स ही ऑफर्ड टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड आर्ग्यू अगेंस्ट आवर केस सो दैट वी कैन फाइंड आउट एनी फ्लॉज इन इट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने माना कि ठीक है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट बात करके तुमसे देखता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे केस में कहां कहां फ्लॉ है. ठीक है. ओके, सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 4. Which of the following is the antonym for the word obviate? Obviate का antonym क्या होगा? Remember, this is 2022 set 1 and set 2 के ये questions हैं, बहुत ही ज़रूरी questions हैं, ये अच्छे से solve करेंगे. Over the years उन्होंने vocabulary पे ज़्यादा ध्यान दिया है. Next class में हम match this, phrase connector, ये सब करने वाले हैं और Saturday को हम सबसे important topic करने वाले हैं which is fill in the blanks. Fill in the blanks जो बहुत ही important है. Pay back to the bank. To the bank. ठीक है. Now, which of the following is near antonym for the word obviate? Obviate का antonym, opposite क्या होगा? Complicated. मतलब कि obviate यानी something which is very easy to understand. ईजी टू अंडरस्टैंड या फिर जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, इसे हम कहते हैं ओब्विएशन. बट इसका ऑपोजिट होता है कॉम्प्लिकेटेड. द ऑपोजिट वर्ड हियर इज कॉम्प्लिकेटेड. ओके, नाउ वी विल दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, बैंक महापैक प्लस में रजिस्टर कर लें. हमारा बैच है द रैपिड रिविजन बैच, विच इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैच ऑफ आर एंटायर एग्जामिनेशन सीजन, क्योंकि हमारे इस बैच में हम बहुत ही ऐसे टॉपिक्स करवाएंगे जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए. अगर आपने अभी भी तैयारी अच्छे से चालू नहीं की है, इट इज़ इनकम्प्लीट समवेयर, आप हाफ ऑफ द वे ही पहुंच पाए हैं, तो मेरा आपसे पर्सनल सजेशन होगा दैट मेक श्योर दैट यू रजिस्टर इन आर रैपिड रिविजन बैच. एंड व्हेन यू डू रजिस्टर, तो अभी हमारे पास एक डबल वैलिडिटी चल रही है, आप डबल वैलिडिटी के अंदर रह के रजिस्टर कर सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग द कोड Y659. इसके अलावा अगर आप टेस्ट मेट यूज करना चाहते हैं तो Y659S इज द करेक्ट कोड टू यूज. प्रिया, बहुत जो आंसर दिया हुआ था ना, हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड इज ओब्विएट, ठीक है. नाउ डेविल्स एडवोकेट जो ऑप्शन दिया हुआ था ना, वही बहुत करेक्ट ऑप्शन है. जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आई विल चेक योर डिस्क्रिप्टिव एज एन एग्जामिनर, तो हो सकता है मैं बहुत सारे फ्लॉज निकालूं. या आई विल चेक, मान लीजिए दो पार्टी है, कांग्रेस है बीजेपी है, और कांग्रेस का एक लीडर बीजेपी वालों से जाके कह जाता है कि मैं ना तुम्हें डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी में क्या क्या गलत है. हाँ, स्मिता भी करते हैं, तुरंत करते हैं, ठीक है. हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना. मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंटोर किंजल. आई हैव अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ मेंटोर किंजल. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, और आपको वहाँ पे कोई भी अगर गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है, आपको अगर कोई भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है तो यू कैन टेक दैट गाइडेंस फ्रॉम देयर. आई विल जस्ट मेंशन द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल विच इज मेंटोर किंजल. एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से हूँ. इंस्टाग्राम ऑल्सो हैज़ अ सेम नेम, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, आप जहाँ चाहे जुड़ सकते हैं. आई विल वेट फॉर यू. और शाम 7 बजे का सबमिशन ज़रूर कर देना. बाय एंड टेक केयर.